अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी आफियतों में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम अपना कायदा शुरू करेंगे और साथ साथ उसके कवायद भी सीखते जाएंगे। जितने कवायद हमने सीखे हैं उसकी बुनियाद पर हम अगली तख्ती अब शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि हमने तख्ती नंबर एक यानी मुफरदात, जिन्हें हुरूफ़ तहज्जी भी कहा जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज व सिफात के साथ पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो बराए मेहरबानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज रही हूँ, उनको अच्छे तरीके से दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सीख लें। उसके बाद इकरा कायदे की तख्ती नंबर दो है मुरक्कबात। मुरक्कबात में दो हरफ मिला जुला के या तीन हरफ मिला जुला के दिखाए जाते हैं और इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को हरूफ की पहचान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़वातीन उम्र के जिस हिस्से में हैं तो हम ये सब कायदे पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपने मखारिज को दुरुस्त करते हुए इनकी अदायगी को बेहतर बनाना है। इसलिए तख्ती नंबर दो को हमने बीच में से स्किप कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर तीन यानी ज़बर, जिन्हें ज़बर ज़ेर पेश को हरकात भी कहा जाता है। और इन्हें पढ़ने का तरीका ये है कि इन्हें ना ही तो झटका दे के पढ़ना है, ना ही इन्हें खींच के पढ़ना है, बल्कि इन्हें जल्दी और रवानी के साथ पढ़ते हुए ना ही ज़्यादा उन्हें खींचना है और ना ही उन्हें एकदम रोकते हुए झटका देना है। मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आइए हम तख्ती नंबर तीन शुरू करते हैं। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौद ज़बर सौ, गौद ज़बर गौ, ता ज़बर ता, गौ ज़बर गौ। आपको याद होगा कि हमने हुरूफ़ मुस्तालिया पढ़े थे जिनमें स्वाद ज़ा ता ज़ा ये सब मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, इनकी अदायगी मोटा पढ़ के होगी यानी कि भारी आवाज़ में होंगी। ये एक दफ़ा फिर से इसी लाइन को दोहराइए, स्वाद ज़बर सौ, वाद ज़बर गौ, ता ज़बर ता, तो तुआ ज़बर तुआ नहीं पढ़ दीजिएगा बल्कि ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ। आइन को हमने पढ़ा था हुरूफ़ हल्की में से है और आइन हलक से निकलता है, आइन की अच्छी तरीके से अदायगी सीखिए। आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, काफ़ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाउ ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। जी, हमज़ा की दोनों अशकाल दिखाई गई हैं। इस अलिफ़ के ऊपर जब भी ज़बर होता है तो अलिफ़ ज़बर आ नहीं पढ़ा जाता बल्कि उसे हमज़ा ज़बर आ पढ़ा जाता है। हमज़ा के ऊपर या अलिफ़ के ऊपर जब भी कोई हरकत होगी, चाहे वो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या दो ज़बर हो, जो भी हरकत होगी चाहे वो जज़म ही क्यों ना हो, जब भी हमज़ा के ऊपर कोई भी हरकत होगी तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ़ हमेशा सादा होता है यानी उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, उस वक्त उसे अलिफ़ कहते हैं। यहाँ पर हमज़ा की दोनों अशकाल दिखाई गई हैं, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। अब यहाँ पर कुछ मिलते जुलते लफ्ज़ हैं यानी जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है और इन आवाज़ों के अंदर हमें फ़र्क करना है, तो आइए
इन आवाज़ों के साथ इन पर फ़र्क करते हुए इनको पढ़ते हैं। ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, عين زبر ع همزة زبر ا قاف زبر ق كاف زبر ك الحمد لله اب هم اس کی مشق کریں گے با زبر ب لام زبر ل عين زبر غ بلغ وقف بلغ ف زبر ف عين زبر ع لام زبلا فعل وقف فعل ثا ذبث ميم زبر ما را زبر را ثمر وقف ثمر همزة زبر أ ميم زبر ما را زبر را أمر وقف أمر عين زبر ع با زبر با عب سين زبر س عبس وقف عبس ميم زبر ما كاف زبر ك مك ثا زبر ثا مكث وقف مكث را زبر را فا زبر فا رفع عين زبر ع رفع وقف رفع زا زبر زا عين زبر ع زاع ميم زبر ما زعم وقف زعم زوا زبر زوا لام زبر لا ظلا ميم زبر ما ظلم وقف ظلم همزة زبر ا خا زبر خا اخا ذال زبر ذا أخذ وقف أخذ سين زبر س را زبر را سرا قاف زبر قا سرق وقف سرق یہاں پہ قلقلہ ہوگا قاف ساکن ہوگا تو قاف پہ وقف کرتے ہوئے اس پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اگلا حرف دیکھیے صاد زبر صا دال زبر دا صاد قاف زبر قا صدق وقف صدق اس پہ بھی قلقلہ ہے اگلے حرف پہ بھی قلقلہ ہے کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تیسری لائن پہ آئیے اور دیکھتے ہیں غ زبر غ را زبر را غرا با زبر با غرب وقف غرب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با كسب وقف كسب خا زبر خا را زبر را خرا جيم زبر جا خرج وقف خرج یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حروف قلقلہ کی کتنی مثالیں آپ کو مل رہی ہیں اگر آپ نے حروف قلقلہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا بھی لنک بھیج رہی ہوں برائے مہربانی حروف قلقلہ کو دیکھ کر حروف قلقلہ والی ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طریقے سے قلقلہ کیجئے گا وقف کرتے ہوئے ان حروف پر قلقلہ ہوتا ہے میم زبر ما را زبر را مرا جیم زبر جا مراج وقف مراج ح زبر ح سین زبر س حس دال زبر دا حسد وقف حسد سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجد وقف سجد شین زبر شا را زبر را شرا حا زبر حا شراح وقف شراح خا زبر خا تا
ता ज़बर ता ख़ता मीम ज़बर मा ख़ातमा वक़्फ़ ख़तम वाउ ज़बर वा लाम ज़बर ला वला दाल ज़बर दा वलदा वक़्फ़ वलद। यहाँ पर भी दाल है, यहाँ पे भी कलकला होगा। वाउ ज़बर वा रा ज़बर रा वरा दाल ज़बर दा वरदा वक़्फ़ वरद। आप देख रही हैं ना हरकात को यानी ज़बर ज़े को हम कितनी आराम से रवानी से और जल्दी से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। फ़ा ज़बर फ़ा रा ज़बर रा फ़ा रा गा ज़बर गा फ़ा रा गा वक़्फ़ फ़ा रा फ़ा ज़बर फ़ा ता ज़बर ता फ़ा ता रा ज़बर रा فطر وقف فطر। الحمدللہ آج ہم نے زبر کی تختی پڑھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مزید تختیاں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، سبحانک اللہم وبحمدک نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.